आपका और क्या पूरा मामला था? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बाड़मेर निवासी हूँ और रात को माननीय SSO सदर और हेड कांस्टेबल पूनम चंद बिश्नोई के सानिध्य में इन्होंने जो भूमाफियों को कब्जा करवाने की कोशिश की गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में अंदर वो उनको घुसवा रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं। इस तरह से पहली बार हमने देखा है कि भूमाफियों के कितने हौसले बुलंद हो गए हैं। ये मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन भी चल रहा है और उसको साथ में रखते हुए रात को जो कब्जा करवाने की कोशिश की गई है, हालांकि हमने कब्जा नहीं होने दिया लेकिन फिर भी कोशिश की गई है। रात को जो पुलिस प्रशासन के जो लोग साथ में भेजे थे वो सातों बिश्नोई कांस्टेबल रात सातों बिश्नोई कास्ट के थे। इस तरह से जो जाति विशेष के लोगों को इस तरह से मन अंदर घुसवाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। माननीय हम SP साहब से मिलकर इस संबंध ज्ञापन देंगे, इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और SSO सदर को वहाँ से हटाया जाए तत्काल। लोगों को न्याय किस तरह से मिलेगा? कहाँ है भूखंड, किस जगह? राजीव नगर के अंदर आया हुआ है चोटमाल सिंह के नाम से। कितने वर्षों से वो लोग काफी लगभग 93 से वो वहाँ से वहाँ रह रहे, उनका पूरा परिवार रह रहा है। सेफ्टी मिलनी चाहिए, सुरक्षा नहीं दी गई और तो आने वाले दिनों के अंदर ज्यादा जहर पनपेगा। जातिवाद के जहर को रोकने के लिए माननीय निवेदन करेंगे, इस तरह से हरकतें आगे से नहीं होंगी। इस परिवार को मामले को लेकर अभी कुछ परिवादी आपसे मिले थे सर, क्या पूरा मामला था और क्या उनको आश्वासन? देखिए, उनका ये आरोप था कि उनका एक कब्जा शुदा प्लॉट है जिस पर एक दूसरे पक्ष ने कल हमला कर दिया खुद का कब्जा करने के लिए। पुलिस के द्वारा कल जिन्होंने हमला किया था 3 लोगों को 151 में गिरफ्तार किया है। उनकी डिमांड थी कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए और उनका आरोप था कि कुछ पुलिसकर्मी जो हमला करने वालों की जाति के हैं, उन्होंने पुलिस उनके साथ मिले हुए हैं या उनके प्रति सॉफ्ट हुए, तो हमने तत्काल ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और जो उनके आरोप हैं पुलिस के रोल को लेकर उसको लेकर के एक इंक्वायरी CO के द्वारा करवा लेंगे और आगे जैसा भी होगा उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।